दोस्तों, केरला स्टोरी के बारे में रिव्यू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मूवी जो है, जो लोग एंटरटेनमेंट और नाच गाने के लिए देखना चाहते हैं, ये मूवी उन लोगों के लिए नहीं है। जो लोग कॉमेडी मूवी देखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये मूवी नहीं है। ये जो है, ज़रा सीरियस काइंड ऑफ मूवी है। और इस तरह की मूवी में एक ख़ास बात जो हम हमेशा देखते हैं कि एक ग्रुप जो है मूवी को सही बताता है, एक ग्रुप जो है मूवी को गलत बताता है। और तो ये कहना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजी के लेके बात करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मूवी के एक्टर की बात करें। जो मेजर एक्टर है, जो प्राइमरी एक्टर है, वो अदा शर्मा है, जो इस फिल्म की जो है सेंट्रल कैरेक्टर है। और उसके बाद जो है योगिता बिहानी और सिद्धि, ये सारे लोग उनको सपोर्ट करते हैं। और ये स्टोरी इस बारे में है कि कैसे हिंदू लड़कियों को प्यार से और बहलाया फुसला के मुस्लिम बनाया जाता है, और उसके बाद उनको यूज़ करके उनको जो है बाकी जिहाद या बाकी सारी चीज़ों के लिए जो है भेजा जाता है। तो बेसिकली ये स्टोरी है। और फिल्म मेकर्स का कहना है कि ये ट्रू स्टोरीज पे बेस्ड है, इवन दो कैरेक्टर्स के नाम इन लोगों ने चेंज कर दिए हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है, कैसे बहलाया फुसलाया जाता है और केरला में क्या क्या हो रहा है, तो ये मूवी आप जाके देख सकते हो। चूँकि ये सारी जो है मतलब रिसर्च बेस्ड है, तो घटनाएं, और अंत में उन्होंने मूवी के पेरेंट्स का भी इंटरव्यू दिखाया है कि उनकी लड़कियों के साथ साथ क्या हुआ है। तो स्टोरीज तो कम से कम सही ही है डेफिनेटली। तो अगर आपको एक सच्चाई जाके देखनी है कि कैसे किया जाता है, प्रोसेस क्या है, कैसे वो लोग करते हैं, तो ये मूवी देखी जा सकती है। और मैंने जैसा कि कहा कि इसमें एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल ये मूवी नहीं है, इट्स ए काइंड ऑफ फैक्ट बेस्ड मूवी है, सच बेस्ड मूवी है एज़ पर द मेकर्स, कि केरला में कैसे बहलाया फुसला जाता है। अदा शर्मा ने एक्टिंग ठीक ठाक की है। और सरप्राइजिंगली जो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि अदा शर्मा ने जो हिंदी का जो प्रोनंसिएशन किया है केरला वुमेन का, वो बहुत ही सही किया है, डिट्टो कॉपी कर दिया। तो दैट आई रियली लाइक्ड इट। उसके बाद जो है म्यूज़िक वगैरह ठीक है, म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा स्कोप तो है नहीं दिखाया है। स्टोरी भी, चूँकि स्टोरी फैक्ट बेस्ड है, तो स्टोरी में कुछ बहुत ज़्यादा स्कोप था नहीं। जैसी स्टोरी है वैसे ही उन लोगों ने थोड़ी बहुत दिखा दी है। और अगर ये सारी घटनाएं सच हैं, जैसा कि पेरेंट्स के इंटरव्यू से मुझे लगा, तो बिल्कुल आँख खोल देने वाली फिल्में हैं, जो कि एक्चुअली में कैसे बहलाया फुसलाया जाता है और कैसे घर की लड़कियों को जो है ये लोग मुस्लिम बना के जिहाद में करते हैं। तो अगर आपको सच्चाई देखनी है, तो मतलब आप ये मूवी जाके देख सकते हैं। स्क्रीन प्ले भी ठीक ठाक है, थोड़े बहुत इधर उधर मिसेज हैं। संगीत का बहुत बड़ा रोल है नहीं इस मूवी में। बाकी कलाकारों ने, जो सपोर्टिव कलाकार हैं, उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया हुआ है। सो थैंक्स गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, उनको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आईटी कंपनीज और बाकी करियर वगैरह फोकस पे भी करके बनाया है। सो थैंक्स, थैंक यू।